तो बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश भी नहीं आ रही और धूप भी नहीं है। अभी शाम के 6 बज रहे और वो दिख रही है, इसको लेके हम बाहर जाने वाले, तो चलते। ऑलराइट, सो व्हाट्स अप, इट्स मी व्लॉगर बॉय सुमित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे शाम के और बाहर का कुछ ऐसा क्लाइमेट हो रहा है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल को बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से लेके नहीं गया हूँ मैं। तकरीबन एक हफ्ता हो गया मैं उसको बाहर लेके नहीं गया चलाने के लिए, तो उसको निकल के रखा हूँ मैं। तो देखते आगे क्या सीन है क्या नहीं, और रास्ते में हमें एक काम भी है, वो आगे चल के बताऊँगा मैं आप लोगों को, रास्ते में बताता हूँ। तो चलते हैं, तो इसको मैंने निकल लिया बाहर, तो लेके चलते हैं अभी। निकल दिए, हल्की हल्की सी बारिश चालू हो चुकी है, ये बढ़नी नहीं चाहिए। जब से मैंने वैक्सीनेशन कभी किया मैं 15 अगस्त, एग्जैक्टली 15 अगस्त के दिन जब मैंने वैक्सीनेशन किया, उस दिन मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। मतलब दोपहर को किया मैंने तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ, रात को भी कुछ नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन जैसे मैं उठा तो पूरा मेरा सर ऐसा चकरा रहा था, चक्कर आ रहे थे पूरी तरह से, बाकी कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ ये हाथ पैर को हो रहा था, इधर लगाया था, तो अभी सब कुछ ठीक है। तब से मैं साइकिलिंग पे निकला नहीं हूँ, उसके बाद मैं आज निकला हूँ साइकिलिंग करने के लिए। लगभग एक वीक पूरा हो रहा है वैक्सीनेशन करके, और उसके दिन ही घर पर ATM कार्ड आके पड़ा, उसका 3 जनरेशन का प्रोसेस बाकी है, वही करने के लिए जा रहा हूँ मैं अभी। अभी पहुँच रहे हम लोग, नज़दीक में ही है, तो मैंने सोचा साइकिलिंग भी करते तो उसके साथ वो भी काम निपटा लेते, तो अभी आ चुका हूँ मैं। तो उसका प्रोसेस बैंक में नहीं करना पड़ता, ATM में करना पड़ता है, तो यहाँ बहुत सारे ATM है। तो देखते साइकिल लगाते साइड में, उसका साइकिल का लॉक भी नहीं लेके आया मैं ऊपर से, उसको थोड़ा खोपचे में लगाते, खोपचे में बोले तो हमारी भाषा में थोड़ा सा अंदर, तो साइकिल लगा लिए, तो चलते हैं। तो काम कंप्लीट हो चुका है, उतना ही था हमारे काम, ज़्यादा नहीं था कुछ, तो देखते आगे क्या सीन है। तो 2 मिनट का काम था, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सिर्फ पिन जनरेशन करना था, फ़ोन में से नंबर निकाल के उधर डालना था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जाएंगे राउंड के लिए, तो ये इतने से काम के लिए मैं 1 वीक लगाया मैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साइकिल चेंज करके दूसरी साइकिल ले लूँ, मतलब एक्सचेंज कर दूँ और थोड़े पैसे डालकर दूसरी ले लूँ। तो ये रास्ते से मैं यहाँ पे साइकिलिंग करता हूँ, नई मोबाइल आई है, तो ये साइकिल पे एक हाथ से पकड़ूँगा एक हाथ से चलाऊँगा, ऐसा बहुत हाथ पेन होता है, अभी भी पेन हो रहा है वैक्सीनेशन की वजह से। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और साइकिल भी निकल हुआ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो बहुत जैसा अलग फील आ रहा है, वाइब आ रहा है। तो मैं कैसे हर रोज़ साइकिलिंग करता था, सुबह करता था, शाम में करता था, मतलब अभी मैं सुबह पे नहीं करता साइकिलिंग, शाम में अच्छा वाइब आता, मतलब सनसेट होता है। लेकिन अभी बहुत दिनों से कैसा है, मौसम थोड़ा अलग अलग चल रहा है, मतलब बादल बहुत आते तो सनसेट अच्छा नहीं दिखता, मतलब दिखता ही नहीं, अच्छा क्या दिखता, मतलब दिखता ही नहीं।
अभी हम पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो यहाँ से यू टर्न लेंगे। तो हल्की हल्की सी बारिश चालू है, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की सी, थोड़ी सी कंटिन्यूसली, मतलब धूप भी नहीं रही, धूप भी नहीं गिर रही, चालू है। तो मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ कि नहीं, मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ। डेली ब्लॉगिंग मतलब डेली ब्लॉग मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग डालूँगा, मतलब हर रोज़ नहीं, लेकिन तो क्या ये मैं भी लगा के लूँ क्या ऐसा आगे, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो ये कह रहा था हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग डालने का ट्राई करूँगा मैं। देख रहे हो, ये देख रहे हो सनसेट हो रहा है, तो फटक से चलते हैं और देखते हैं BRT पे सीन क्या है क्या नहीं। तो ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो शूट किया था, मैंने और संकेत ने फ़ोटो शूट किया था, पता है ना आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे डाला था उस पोस्ट मैंने, तो अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, जल्दी जल्दी जाओ, यहाँ पे ही दूंगा मैं इंस्टाग्राम आईडी मेरा। और अब देखो सीन, मतलब धूप होती तो और ही गजब दिखता। तो ये लोकेशन बढ़िया है फोटोशूट के लिए, रील्स बनाने के लिए। तो अभी मैं रील्स भी बना रहा हूँ, तो आप चैनल इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। तो हमें जाना है उस तरफ, वो यहाँ पे पूरा आसमान खाली, इसलिए बहुत बढ़िया दिखता है। तो चलते हैं अंदर और राउंड लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। भागा भागा, अभी उसके ऊपर चालान कटेगा। चला हाँ, मैंने वीडियो निकाल लिया है के पास फोन रहता है, ऐसा स्वाइप कर दे, ये गया 1000-2000 का चालान फिक्स है। वो बहुत दिनों के बाद आया मैं, मतलब हफ्ते के बाद आया, पूरा खाली खाली लग रहा है, मतलब है लेकिन उतने नहीं है जितने रहते, ये सब बारिश की वजह से। क्या कर रही है अब, ये सब बारिश की वजह से। अरे गिरी गिरी, वो अभी गिरने वाली थी, संभाल लिया उसने खुद को। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अगर धूप होती तो ऐसा मस्त सनसेट दिखता, तो पब्लिक भी ज़्यादा होती, आधी पब्लिक उसको देखने के लिए आती। वे ठोक देंगे मेरे को, जो नए नए गाड़ी सिखाते हैं उनका कुछ भरोसा नहीं रहता, मतलब साइकिलिंग साइकिलिंग वाले नहीं खासकर लड़कियाँ कुछ भी। कौन कौन एग्री है बताओ। तो अभी एक ही लगा है राउंड, अभी दूसरा भी लगाऊंगा, तो दो सोच रहा हूँ लगाने की, लेकिन एक ही लगाऊंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करेंगे, अभी हर रोज़ करेंगे, मतलब धीरे धीरे काउंट बढ़ाएंगे राउंड का। तो अभी और एक राउंड मारेंगे, उसके बाद बातें करते हैं। ओके, तो आता हूँ मैं राउंड।
अभी राउंड कंप्लीट करके हो चुका है, 2 राउंड लगाए मैंने, तो आज के लिए बस इतना ही। और शाम भी हो रही है, मतलब अभी क्या बोलते हैं, अंधेरा हो रहा है, हाँ अंधेरा हो रहा है, तो अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी चलते हैं घर पे, निकलते हैं। और अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर चाहिए आप लोगों को वो मुझे बताओ, ताकि मैं उस बारे में सोच सकूँ और वैसा कंटेंट आप लोगों को दे सकूँ। तो मैं बहुत मतलब अब तक मैंने पूछा वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में, कि आपको किस बारे में कंटेंट चाहिए, किस तरह का आपको भेजना पसंद करोगे, तो कोई बताता नहीं है। तो बताओ मुझे किस तरह का चाहिए, ट्रैवलिंग के ऊपर चाहिए, फोर्ट एक्सप्लोर करूँ, कौन सी जगह एक्सप्लोर करूँ, यहाँ घूमने जाओ वहाँ घूमने जाओ, आपको मेरे दोस्तों के साथ ब्लॉग अच्छा लगता है मैंने जो कि बनाता हूँ वो अच्छा लगता है, ऐसा शायद घूमने का बनाऊँ या डेली ब्लॉगिंग करूँ, बताओ आप लोग। वो मैं बोलता हूँ आप लोगों को कमेंट में बताओ, तो आप लोग ऐसा कमेंट कर देते हो कड़क नाइस ब्रो ऑसम ऐसा करके बताते हो, वो भी ठीक है, मतलब वो मेरा आप लोग मन रखने के लिए बोलते हो वो मुझे मालूम है, लेकिन फ़िलहाल मैं मतलब असलियत में बताऊँ कि मैं किस बारे में टॉपिक बनाऊँ, तो देखने के लिए आप लोगों को मज़ा आए, पसंद करो आप लोग, तो वही बताओ कमेंट करके किस बारे में बनाऊँ किस बारे में नहीं। तो मतलब ये भी बताया करो कि मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, कौन सा पार्ट अच्छा था, कौन सा पार्ट बुरा था, उसमें मैं करेक्शन कर सकूँ और आप लोगों को अगले ब्लॉग में वो करेक्शन दिखाई दे। तो वही यही था आज का ब्लॉग, तो ब्लॉग आप लोग अभी तक देख रहे हो तो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और लगे हाथ कमेंट भी कर देना, सब फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों को तो पता है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करके जाना, सो वही, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ सब्सक्राइब के साथ, ताकि मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चले। सो वही मिलते हैं अगले ब्लॉग में, पीस, ख़त्म हो गया, अभी तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, फ्री है, कर लेना।